हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे केक तो कटने दीजिए साले। अभी अभी तो हम अधूरे थे, पूरे हो गए तेरे रूबरू। खा लीजिए मीठा के। ऐ साली है, खा लीजिए। मुंह देखिए उधर, केक नहीं खाने का मुंह। अरे अनाज है ना, अनाज का बना हुआ। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो गाइस कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं गाइस बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस अभी देखिए रेडी हो गया ऑफिस जाने के लिए, और अभी गाइस बन रहा है हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट। वैसे गाइस आज मेरा आज भी व्रत है, तो अन्नु मेरे लिए बस बना रही है चाय, और अभी मैं यहाँ दूध लेने के लिए तो वहाँ से कुछ कुछ खाने की चीज़ लेके आया था। ये गाइस ये मतलब व्रत में खाने वाला लड्डू है, तो ये लेके आ गया था, और चाय बन रहा है अभी। तो आधी गाइस जा चुके ऑफिस, क्योंकि मुझे थोड़ा सा लेट लग रहा था, तो आधी निकल गए ऑफिस के लिए, और मैं निकलूँगा अभी 5 मिनट में, मतलब ब्रेकफास्ट करने के बाद। और मैंने अपने लिए कटिंग की है लंच में खाने के लिए पपीता। देखिए इधर अन्नू चाय बना रहे हैं, ये रहे किचन में। ये देखें जी, मेरे लिए चाय रखा हुआ, और यहाँ मखाना फ्राई हो रहा है मेरे और भाभी दोनों के लिए। तो ये देखिए सुबह सुबह खाने के लिए, नहीं नहीं बहुत है मेरे लिए खाने के लिए आ चुका है। ये भी गाइज ब्रेकफास्ट का ही पार्ट है। तो चलिए अभी थोड़ा सा मखाना और ये सब खाया जाए, उसके बाद मिलते हैं आपसे। लेट भी हो रहा है काफ़ी, तो चलिए खाते हैं। गाइज अभी मस्त ब्रेकफास्ट कर लिया अपना, और अभी गाइज ये देखिए लंच में सुबह मैंने खाता था पपीता। ये देखिए गाइज पपीता ये रहा, तो अभी पपीता लेके चलेंगे लंच में खाने के लिए। गाइस पूरे आज 5-6 दिन हो गया मतलब खाना खाया हुआ, और मैं फ्रूट और यही सब खा रहा था, मतलब ये क्या बोलते हैं मखाना वगैरह बस यही सब, बाकी रोटी सब्जी वगैरह में से कुछ भी नहीं खाया मैंने पिछले 5-6 दिनों से। तो गाइस 9:35 हो गया, तो फटाफट से निकलते हैं गाइस अब, वरना लेट जाएगी, आजकल जाम रहने लगा है रोड पर। तो चलिए आपसे मिलते हैं कुछ देर के बाद, तब तक निकलते हैं ऑफिस के लिए। बाय गाइज, अभी ऑफिस से आ चुके हैं घर, और गाइज आज एक खास बात है क्योंकि भैया और आदि भी आ चुके हैं ऑफिस से। तो गाइज अभी सब आज पूरी फैमिली एक साथ माता रानी की आरती करेंगे। तो इधर देखिए भाभी पैर हाथ धोके एकदम मस्त तैयार शैर होके बैठे हुए हैं आरती करने के लिए। गाइज भाभी वेट कर रहे हैं सब लोगों का, मतलब कितने देर से, मतलब 6 बजे से ही वेट कर रहे हैं कि सब लोग कितना जल्दी आएंगे और फिर आरती स्टार्ट होगा। तो गाइज अभी अन्नु सांझ तो दिखा दिए घर में, बट माता रानी की आरती बचा होगी डेली आजकल। आरती जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन दयावत है, अजी को निस दिन दयावत है, ब्रह्मा शिवरी ओम जय। गाइस पूजा करने के बाद भाभी जी किचन में चली गई थी हम लोग के लिए कुछ कुछ बनाने के लिए, मतलब गाइस भाभी जी आज बनाने हम लोग के लिए वो क्या बोलते हैं साबूदाना का पकौड़ा, जो कि अभी गाइस खाएंगे मस्त, भूख भी तेज लग रही है। फिर गाइस हम लोग उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाना है कुछ कुछ सामान लेने के लिए, नवरात्र का ही सामान सामग्री जो जो लाना है वो चीज़ें अभी मैं और भाभी सब लोग जाएंगे और लेके आएंगे। तो अभी चले गए जो भाभी जी बनाए हैं अभी आपको दिखाते हैं। ये देखिए गाइस यहाँ भाभी बना गए हैं, अन्नू इसको निकाल रहे हैं, इसको और थोड़ा पकाइए अन्नू, अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ है, हो गया था। देखिए यही साबूदाना का पकौड़ी यही है, तो देखते हैं अभी खाया कैसा बनता है। अन्नू निकाल रहे हैं अभी, यहाँ देखिए आदि भिंडी काट रहे हैं अपने लिए, मैं भी काट रहा था बट आदि फाइनली काट रहे हैं। तो इधर भाभी जी अपना पकौड़ी बना के फ़ोन चला रही हैं। तो अभी गाइस आ चुका है हमारा पकौड़ी, तो चलिए अभी फटाफट से खाएंगे। तो ये देखिए गाइस सारा आ चुका है, सारा निकाल लिया है, अभी इतना खा के फिर हम लोग जाएंगे बाहर। अभी गाइस जो जो सामग्री लेके आना, प्लेट इन लोगों को भी दे दे दो। गाइस बाहर से जो जो सामान लाने जाने वाले थे हम लोग, वो सारी चीज़ें लेके आ गए हैं, और आने के बाद गाइस भाभी जी लग गए थे हम लोग का जो खाना है, मतलब जो डिनर की। गाइस आने में काफ़ी लेट हो गया, तो 11:30 बज गए, तो फटाफट से भाभी अपना रात का डिनर वगैरह बनाए हैं, तो इसलिए आपको दिखाते हैं। और ये देखिए इसमें सामान रखा हुआ दोनों में जो अभी लेके आए हम लोग, और ये रहा हमारा रात का डिनर जो कि आज बना है यही वाला। गाइस कुछ देर पहले भी हम लोग यही खा रहे थे, अभी भी यही खा रहे हैं, और साथ में खीरा। आधी लोग का मजे है गाइस, देख रहे हैं आधी लोग को वहाँ चावल निकालने वाले खा रहे हैं मस्त, चावल दाल भिंडी का भुजिया आलू का चोखा, ओए होए क्या बात है, खाइए।
कोई नहीं, हम लोग कब कब दिन आएगा पता नहीं। चलिए गाइस कोई नहीं, बाकी हम लोग अपना इस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं जो कि है ये पकौड़ी खीरा और ये है रायता एक टाइप से दही का। तो चलिए ये खा लेते हैं फटाफट, भूख तो बहुत तेज़ लग रहा है क्योंकि गाइस बाहर भी कुछ नहीं खा सकते आजकल। तो भाभी ये लोग कितना अमीर है ना, देखा दाल चावल खा रहे हैं, देख रहे बापरे बाप। आदि कैसे कैसा टेस्ट लगता है दाल चावल का? साला भूल गए टेस्ट सच में हम। आप अब खाना देख के अब लग रहा है, अब खाना देख के लग रहा भगवान जल्दी बीत जाए, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। ओ क्या मामी यही खा कर ई भी नहीं, क्या खा रहे थे हम लोग, कद्दू कद्दू उबाल के उसमें दही में मिला के कितना अमीर है ना ये लोग। कुछ कहना चाहिएगा आप? आपका चोखा देख के तो मन कर रहा होगा खाने का। नहीं कर रहा, सच सच बताइएगा। संतोष सूरज की मम्मी का नाम था, बहुत स्ट्रांग बना था। ये बात तो है भैया, आप कुछ क्या? यस आई नो। भाभी के बारे में कुछ कहना चाहिएगा? जो डेली आ जाऊंगा पता क्या बोल रहे हैं, हल्दीराम से थाली मंगा लो ना वो व्रत वाला। नहीं बोले अन्नू? हाँ हम बोले थे, जब भाभी बोले तब हम बोले हाँ चलिए ले चलते खिलाने। वो हीरा स्वीट्स का था, हीरा वो टेस्ट नहीं था भैया, अजीब सा लग रहा था, नमन ना नम के ना कुछ मीठा मीठा बेकार। हम तो सब छोड़ दें, आधी भिंडी खत्म हो जाना चाहिए। हाँ आधी चोखा जो नहीं खाते आज चोखो मार रहे हैं, आधी एकदम गपा गप। आज पता है क्या हो गया मेरे साथ आ गया आज गाइस, देखिए हम लोग खाना तो अभी चल ही रहा है लेकिन अभी गाइस देखिए भैया इधर केक ऑर्डर किए थे तो अभी तक आया नहीं है क्योंकि गाइस आज है अन्नू का बर्थडे, बस 3 दिन आएगा। कैसे कैसे लोग को रख लिया, हम तो भी नहीं है पता ही नहीं कहाँ कहाँ घूम रहा, रास्ता ही लोग को नहीं पता चलता। गाइस अभी तक केक लेके आ गए, बस अन्नू का होने वाला है समय, हैप्पी बर्थडे बोल देते फिर केक तो आ ही जाएगा थोड़ी देर क्या, फिर सेलिब्रेट करेंगे। कितने देर में आएगा? अच्छा आदि 1 मिनट रह गया है हैप्पी बर्थडे बोलने में। तो गाइस देखिए भैया तो आ गए हैं और अन्नू के लिए यहाँ गाना बजा रहे हैं उन्हें, ये बताइए गेट सटा देंगे। गाइस देखो के आ गया अन्नू किचन में, उधर देख रहे हो बना रहे हैं, अन्नू को पता भी नहीं। अन्नू उधर हैप्पी बर्थडे आ जाइए इधर, अन्नू को काम वाली भाई बना के रखे हैं जनो, ऐसा बर्थडे तुम मिस कीजिए। हैप्पी बर्थडे अन्नू। तो गाइस ये देखिए ये रहा केक, ओ भाई भैया तो पूरा ब्रांडेड जगह से मंगाए हैं। ओह चाकू देखिए, ओ भाई साहब क्या तगड़ा चाकू है ये, ओ भाई साहब देखिए क्या मस्त। ठंडा केक है, हाँ तो फ्रिज से लाया ना, देखिए अब केक देख के। अरे हिंदू धर्म में सुबह होता है, हिंदू धर्म में सुबह होता है। बाप रे बाप हैप्पी बर्थडे आदि का हो रहा है। ओ भाई साहब क्या तगड़ा केक आया, ओ भाई तो फिर आप मतलब मत नहीं खाइएगा आप, हैप्पी बर्थडे बताइए। इधर अन्नू का केक कट रहा है, इधर भाभी अपना थाली लेकर बैठे हैं खाने, देख रहे हैं। ओ चाचा मैं नहीं चक्कर में ये कहाँ चिपका लिए बिंदी, अब भाव पे देखिए तो चल डुब गया। उधर डूब जल्दी से, मैं तो आ ही रहा हूँ, रूम में चलेगा
भाई कैंडल क्या तगड़ा दिया भैया। बाप रे बाप, मेरे बर्थडे में कोई नहीं मंगाता अच्छा कैंडल। देखिए यार, ओ भाई, तो हमको भी ले लीजिए लीजिए। दीदी का लिए नहीं लिए, भाभी का कर लीजिए। हाँ हाँ कर लीजिए। बाप रे बाप, हैप्पी बर्थडे टू यू। आदि का कीजिए तो बड़ा। आदि आदि का उम्र होगा 25 साल, आप अभी जन्मे लिए हैं, अभी 2 मिनट हुआ जन्म लिया हुआ। कोई नहीं, तो मम्मी को तो वीडियो कॉल कर लीजिए थोड़ा, बोली मम्मी जन्म ले ले लियो हमें। मैजिक कैंडल है ना, केक खराब नहीं होगा, इसीलिए भैया ये केक मंगाए। हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे केक तो कटने दीजिए साले। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अनु, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये इतना गर्मी, बाप रे बाप। शादी कैसा लग रहा है? आपकी बड़ी बहन का जन्म हुआ है आज। ऊपर नीचे से देखना। अन्नू ऐसा है कि आपका केक हम लोग नहीं खा सकते। I'm really very sorry। खा लीजिएगा। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, देखिए, ओ भाई। फिर से करते हैं। Happy birthday to you। अरे हम लोग का पकौड़ी में कड़ा हो रहा है यार। अभी अभी तो हम अधूरे थे, पूरे हो गए तेरे रूबरू। खा लीजिए मीठा के। ऐ साली है, खा लीजिए। मुंह देखिए उधर, केक नहीं खाने का मुंह। अरे अनाज है ना, अनाज का बना हुआ। ओ भाई, कौन अनाज उसमें, क्या है अनाज उसमें बताइए ना। सावधान अनाज है। भाभी कौन सा पूरी खा लिया? कुट्टू का पूरी खाया, सिंघाड़ा का वो नहीं। अब पानी फल का पूरी। हाँ साले, भाभी इनका कहना है कि हम लोग पोंगा पंडित हैं, अनाज खा रहे हैं, अपने ऐसा ढीला समझ रहे, खिलार साले। सब खा लीजिए ना दी, खा लीजिए दीदी जान, दीजिए आदि को पूरा पसंद है। बाप रे बाप, कोई ज्यादा खिला रहा है तो दिक्कत, कम खिला रहा है तो दिक्कत। अब क्या केक डाल देगा मुंह में, कह रहे मुंह देखिए भाभी का इधर। खा लीजिए भाभी, आप भी थोड़ा सा खाइएगा। तो चलिए हम लोग अपना पकौड़ी खाते, ठीक है अन्नू, लाइए खिला देते हैं अन्नू, आइए लीजिए, हम भी खिलाइए दे रहे हैं आपको। आप बड़ा सा मुंह कीजिए ना, लीजिए थोड़ा सा, हम पूरा खिलाएंगे भाई, आ कीजिए और बड़ा। हैप्पी बर्थडे भाई, खाइए खाइए। हम हैप्पी बर्थडे, देखिए इधर वाह, ठीक है फोटो भी क्लिक कर दिए। कितने साल के हो गए आप? 35 के ना, 35 तो 40। हाँ देखिए, खाना खाने का हम लोग का पकौड़ी खा रहे हैं। कितना है केक छोड़ के? दही है लेकिन है, छोड़िए ना, क्या दही खाना ना, अनुसार दही दीजिए ना, बर्थडे हुआ समझ रहे हैं, आपका जन्म अभी हुआ है, लेकिन फिर भी दे दीजिए, क्या कीजिएगा, सब खत्म हो गया ना। चलिए गाइस खाया जाए जरा, ये तो खा नहीं सकते हैं, कितना अभाग्य की बात। भाभी पता है पूरे सीजन में 5 को केक हम छोड़ दिए, पता आपको 5 को केक खराब नहीं होगा भैया, 5 को केक नहीं खाया पता। हम तो सब खा लेते हैं ऑफिस में, 3, एक रोशन का, एक ही 5वां रोशन का बर्थडे। चलिए कोई नहीं, केक का कलर तो पूरा मस्त है, देख रहे हो भैया क्या मस्त ना, केक अच्छा है, क्या मस्त कलर है। चलिए गाइस हम अपना इसी में कंसंट्रेट करें अपना। गाइस अभी अन्नू का बर्थडे सेलिब्रेशन हो चुका है, और अभी देखिए भाभी कह रहे हैं लूडो खेलने के लिए आज फिर रात को, मतलब गाइस अभी टाइम नहीं, कितना 1 बज चुका है पूरा, अब खेलेंगे तो कितने बजे गेम खत्म होगा बताइए। आदि
तो गाइस इसके भाभी का प्लान आज पोस्टपोन करेंगे, आज हम लोग लूडो नहीं खेलेंगे। तो रात काफ़ी हो गई गाइस और बर्थडे सेलिब्रेशन मस्त हो गया है, तो सुबह उठना पड़ेगा क्योंकि गाइस कल अष्टमी है तो सब लोगों का अष्टमी का व्रत भी रहेगा। देखते हैं कौन कौन करता है अष्टमी। चलिए गाइस अब चलते हैं सोने, रात काफ़ी हो गई है। तो चलिए आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, एंड गाइस अच्छा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं कल आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक लेकर बाय, गुड नाइट।